दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी राहत आई है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड एक ट्रेड सर्कुलर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। GST R3B से रिलेटेड ये ट्रेड सर्कुलर है, उस सर्कुलर के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले मैंने ये ओपन कर ली है GST R3B। इसमें जो टेबल 4 एलिजिबल ITC की बात करता है, इसकी हम बात करेंगे। एलिजिबल ITC, इसमें आप अपना ITC दिखाते हैं, ITC अवेलेबल, जो ITC आपके लिए अवेलेबल रहता है, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस के केस में जो भी आपका ITC रहता है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो आपका ITC होता है, और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD जो ITC आपके लिए अवेलेबल होता है, या फिर ऑल अदर ITC में आप दिखाते हैं, जो कि ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है उसको आप ऑल अदर ITC के अंदर दिखा देते हैं। उसके बाद आप दिखाते हैं ITC रिवर्स, जो ITC आपने रिवर्स किया है एज़ पर रूल 42 और 43, और उसके बाद अदर्स। उसके बाद आपका नेट ITC जो आपके लिए अवेलेबल रहता है वो आ जाता है A-B, जो टेबल A-B है वो आपके पास आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा इनएलिजिबल ITC, जो हमारा इनएलिजिबल ITC होता है एज़ पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, जो हमारा इनएलिजिबल ITC होता है वो आपको नीचे दिखाना होता है, और फिर आपको अदर अगर कोई है तो वो आपको नीचे दिखाना होता है। ज़्यादातर टैक्स पेयर क्या प्रैक्टिस करते हैं कि जो उनका इनएलिजिबल ITC होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का, वो ऊपर यहाँ ऑल अदर ITC में दिखा करके नीचे उसको रिवर्स कर देते हैं और उसका नेट इफेक्ट यहाँ पर दिखा देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब ये ट्रेड सर्कुलर क्या बात करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्दो ये केरला डिपार्टमेंट की तरफ से है ये जो ट्रेड सर्कुलर है, लेकिन दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं वो आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात करता है इनपुट टैक्स क्लेम्ड ऑन ITC ब्लॉक ट्रांजैक्शंस की। तो यहाँ पे पहले तो इस सर्कुलर के अंदर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को पूरा एक्सप्लेन किया गया है इस ट्रेड सर्कुलर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ITC इन मंथली GSTR 3B। तो करेक्ट डिक्लेरेशन, करेक्टली डिक्लेयर आपको कैसे करना है अपनी 3B के अंदर, ये सभी के लिए बहुत ही जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। द डिटेल प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इनएलिजिबल ITC हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन ट्रेड सर्कुलर नंबर 6/2020, जो कि 16 जून को आया था। उसमें पूरा डिटेल प्रोसीजर बताया गया है, जो रेलिवेंट पोर्शन है केवल वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नीचे क्या है वो रेलिवेंट पोर्शन, इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूडेड वाइल रिपोर्टिंग ITC इन टेबल 4A। जो इनएलिजिबल क्रेडिट है वो आप टेबल 4A के अंदर जो आप दिखा देते हैं, जो अभी मैंने बताया कि काफ़ी सारे ऐसी प्रैक्टिस करते हैं 4A के अंदर वो इनएलिजिबल क्रेडिट दिखा देते हैं, तो इट शुड बी एक्सक्लूडेड, वो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे आप। इट मस्ट बी शोन इन टेबल 4D, जो आपके नीचे टेबल 4D है ना इनएलिजिबल ITC की, उसमें आपको ये दिखाना है। मोर स्पेसिफिकली इनएलिजिबल और ब्लॉक क्रेडिट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल 4D1 ओनली। तो अभी मैंने आपको दिखाया था टेबल 4D1 के अंदर आपको वो क्रेडिट दिखाना है विच इज़ इनएलिजिबल ITC या फिर ब्लॉक क्रेडिट जो आपका है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, और जो आपकी टेबल 4D2 है इट शैल इंक्लूड, उसमें कौन सा आएगा, इनएलिजिबल एंड ब्लॉक क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 रीडविल रूल 38। तो दोनों ही जो हमारी 4D1 है और 4D2 है उनमें कौन सा इनएलिजिबल ITC आएगा वो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपका इनएलिजिबल ITC होता है ब्लॉक क्रेडिट होता है मोटर व्हीकल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ पे 4D के अंदर दिखाना है। इफ़ एनी SSC हैज़ अवेल ब्लॉक क्रेडिट, अगर आपने कोई ऐसा ब्लॉक क्रेडिट अवेल कर लिया है विच इज़ रिलेटेड टू मोटर व्हीकल और रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन,
तो यू आर एडवाइज टू रिवर्स द क्रेडिट सुओ मोटो। तो इसमें एडवाइस दी गई है कि आप उस क्रेडिट को खुद से ही रिवर्स कर दीजिए थ्रू DRC 03 इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर प्रोसीडिंग सच एज शो कॉज नोटिस डिमांडिंग टैक्स एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो अगर आपने इस तरह का क्रेडिट अवेल कर लिया है तो यहाँ पे आपको एडवाइस दी गई है कि आप उसे खुद से ही रिवर्स कर दीजिए थ्रू DRC 03 टू अवॉइड कि कोई भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट ना हो, कोई शो कॉज नोटिस आपको इशू ना किया जाए रिलेटेड टू टैक्स एंड पेनल्टी। तो ऑल द ट्रेड एसोसिएशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कंटेंट टू द नोटिस टू द अटेंशन ऑफ देयर मेंबर्स। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे बता दी गई हैं कि किस तरीके से आपको करेक्टली अपना जो ITC है वो डिक्लेयर करना है GSTR 3B के अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो ये केरला डिपार्टमेंट का है लेकिन आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सर्कुलर है। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्मॉल टैक्स पेयर्स की, छोटे व्यापारियों के लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है और उसमें क्या रिलीफ उनको दिया गया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ओपन कर ली है, 5th of March की नोटिफिकेशन है। एक MSMEs के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी 26 जून 2020 को, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। क्या ये अमेंडमेंट्स की गई हैं इन द सैड नोटिफिकेशन, किस नोटिफिकेशन की बात हो रही है जो आई थी 26 जून को, जो नोटिफिकेशन आई थी उसके यहाँ पे बात हो रही है कि उस नोटिफिकेशन के अंदर इन पैराग्राफ 5 में आफ्टर सब पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 5 के सब पैराग्राफ 3 के बाद ये फॉलोइंग पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया गया है। और ये पैराग्राफ क्या कहता है, द एग्जम्पशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग GSTN शेल बी एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST Act। तो पहले क्या था कि GST नंबर आप सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था MSME के लिए, लेकिन अब यहाँ पे कह दिया है कि आपको एग्जम्पशन दी जा रही है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग GST एज पर द प्रोविजन ऑफ GST Act। तो GST Act में अगर आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज आपके लिए रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं रखा गया है, जो कि पहले रख दिया गया था MSMEs के लिए कि 31 मार्च तक आपको लेना है, तो वो रिक्वायरमेंट अब यहाँ से हटा दी गई है। अब एज़ पर द GST Act ही आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इन पैराग्राफ 6 आफ्टर सब पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 6 के अंदर भी आफ्टर सब पैराग्राफ 8, सॉरी आफ्टर सब पैराग्राफ 8 ये नया पैराग्राफ इंसर्ट किया गया है जो क्या कहता है, इन केस ऑफ एनी प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट और रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज है जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रोप्राइटर मे यूज़ हिज और हर पैन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटरप्राइज इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जो प्रोप्राइटर है वो अपना पैन यूज़ करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस पैन शैल बी मैंडेटरी। तो पैन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, बेसिकली जो रिलीफ दिया गया है वो GST रजिस्ट्रेशन से जुड़ा रिलीफ है, क्योंकि अगर सभी के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दी जाएगी तो छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि GST के जो कंप्लेंसेस हैं वो आप सभी को पता है काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं एक छोटे व्यापारियों के लिए, या फिर कंप्लेंसेस करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रिलीफ है जो उनके लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि सभी के लिए चीज़ों को मैंडेटरी नहीं किया गया।